एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के अंतर्गत हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है और भेदभाव का आरोप भी जरा देखिए, हमारे यहां मंदिर सबका कॉमन होता है, उसी मंदिर में जैन भी जाए, बौद्ध भी जाए, सिख भी जाए, ब्राह्मण भी जाए, क्षत्रिय भी जाए, यादव जी जाए, सैनी जी जाए, पटेल जी जाए, कोई भी जाए, कोई रोक टोक है क्या किसी मंदिर में? कह रहे फिर भी नहीं है, छुआछूत है। यहां सिया की मस्जिद अलग होती है, सुन्नी की मस्जिद अलग होती है, सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जा सकते, कह रहे वहां बहुत बढ़िया है, और यहां मंदिर में सब जा सकते हैं, कह रहे भेदभाव है। हमारा श्मशान कॉमन होता है, उसी श्मशान पे ब्राह्मण जलाए जाते हैं, क्षत्रिय जलाए जाते हैं, वैश्य जलाए जाते हैं, दलित जलाए जाते हैं, सब जलाए जाते हैं। श्मशान अलग अलग है क्या? जोर से बोलिए जरा। जातियों के आधार पर श्मशान अलग अलग है क्या? कब्रिस्तान अलग अलग होता है, सिया का अलग कब्रिस्तान, सुन्नी का अलग कब्रिस्तान, फिर भी कह रहे हैं वहां सब ठीक है, यहां भेदभाव है। क्रिश्चियनिटी में दोनों धड़ों के चर्च अलग अलग होते हैं और जो दोनों धड़े हैं वो एक दूसरे के चर्च में कभी नहीं जाते, करें क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़िया है। क्रिश्चियनिटी में दोनों धड़ों के कब्रिस्तान अलग अलग होते हैं, करें नहीं वहां भी बहुत बढ़िया है। अरे यहां श्मशान कामन, मंदिर कामन, विवाह की पद्धति कामन, ब्राह्मण हो तो भी साथ फेरे, क्षत्रिय हो तो भी साथ फेरे, दलित हो तो भी साथ फेरे, सैनी हो तो भी साथ फेरे, यादव हो तो भी साथ फेरे, पटेल हो तो भी साथ फेरे, कोई भेदभाव है क्या? और हमको कह रहे छुआछूत है। ऐसे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं का इलाज करना पड़ेगा। काम केवल इतना करना है, जो लोग समझ गए हैं अब उनको समझाना नहीं है, अब उनको समझाना है। जो लोग थोड़े मुफ्त के लालच में आ जाते हैं या जाति के आधार पर वोट देते हैं या किसी और तरीके से वोट दे रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और मैं तो कह रहा हूं 2024 आ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट मत दीजिए। हमारे देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अपना वोट क्षेत्रीय पार्टियों को देके बर्बाद मत करिए। वैसे मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक था, क्या पता यहां भी आम आदमी पार्टी वाले आए हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अपना वोट खराब मत करिए। वोट करिए केवल दो को, या तो कांग्रेस को या तो बीजेपी को, लेकिन टर्म्स कंडीशन के आधार पे। पहले अपनी कंडीशन रखिए, जो गुलामी का नाम मिटाए उसको वोट करिए, जो गुलामी का निशान मिटाए उसको वोट करिए, जो भारतीय भाषा का प्रचार प्रसार करे उसको वोट करिए, जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का वादा करे उसको वोट करिए, जो अंग्रेजों का कानून खत्म करने का वादा करे उसको वोट करिए, जो गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलने का वादा करे उसको वोट करिए, जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करने का वादा करे उसको वोट करिए, जो हमारे मठ मंदिरों को सरकारी चंगुल से छोड़ने का वादा करे उसको वोट करिए, जो विदेशी टैक्स सिस्टम को खत्म करके भारतीय टैक्स व्यवस्था लागू करने का वादा करे उसको वोट करिए, जो एक देश एक नाम लागू करे उसको वोट करिए, जो एक देश एक चुनाव लागू करे उसको वोट करिए, जो एक देश एक विधान लागू करे उसको वोट करिए, जो एक देश हम दो हमारे दो का वादा करे उसको वोट करिए, जो अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा करे उसको वोट करिए, जो नशे के खिलाफ कठोर कानून का वादा करे उसको वोट करिए,
जो अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा करे उसको वोट करिए, जो भारतीय संस्कार का प्रचार प्रसार करने का वादा करे उसका वोट करिए, जो घुसपैठियों को निकालने का वादा करे उसको वोट करिए, जो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा करे उसको वोट करिए। इस बार वोट आंख बंद करके मत करिए, इस बार वोट दिल से मत करिए, इस बार वोट दिमाग से करिए, सोच समझ के करिए, लेकिन 1984 का रिकॉर्ड तोड़िए। हमारे आपके चाचा ने, पिता ने, दादाजी ने 1984 में 404 सीट दिया था। कितनी सीट दिया था? 404। 2024 में उस रिकॉर्ड को तोड़िए। तोड़ सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, तोड़ सकते हैं क्या? 1984 का रिकॉर्ड तोड़िए। अब की बार 400 पार। अब की बार चाहे मोदी जी को चाहे राहुल गांधी जी को, लेकिन अब की बार टर्म्स कंडीशन के आधार पे करिए। नहीं तो याद रखिए, 25 साल के बाद आज के पसंदीदा नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज आप जिसकी जय जयकार करते हैं, आप जिसकी पूरी हाहाकार करते हैं, 25 साल के बाद ये आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। मैं 25 साल को सोच समझ के कह रहा हूं। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल नहीं, अगले 250 साल तक आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपके खानदान की रक्षा करेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा। इसलिए बातों पे मत जाइए, जाति पे मत जाइए, अड़ोसी पड़ोसी पे मत जाइए, इस बार धर्म के लिए वोट करिए। जो धर्म की जय करे उसके वोट करिए, जो अधर्म का नाश करे उसके लिए वोट करिए, जो प्राणियों में सद्भावना स्थापित करे उसके लिए वोट करिए, जो भारत को विश्व गुरु बनाए उसको वोट करिए। कुमार को हमने देखा है बर्तन कैसे, मिट्टी को ऊपर वाले हाथ से मिट्टी को नीचे दबाता। समाज का निर्माण, देश का निर्माण बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कुम्हार करता है, एक हाथ अंदर से एक हाथ बाहर से। भारत के सरकारों का केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कुम्हार की तरीके काम करना चाहिए। अंदर वाला हाथ क्या है? शिक्षा। बाहर वाला क्या है? कठोर कानून, दंड व्यवस्था। अंदर का हाथ ऐसा हो, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि पूरे समाज में सब लोग शांतिप्रिय हो, कोई किसी से नफरत न करे, कोई छुआछूत की भावना ना हो, कोई ये न कहे मैं सुपीरियर तुम इनफीरियर, कोई ये न कहे जिसको मैं मानता हूं वही पूजा करने के लायक, दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। और ऊपर अगर कोई कानून तोड़े कठोर दंड। हमारे सामने धर्मगुरु बैठे हुए हैं, हमारे देश में हजारों की संख्या में कथावाचक, हजारों की संख्या में धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर है, पादरी भी है जो अपनी अपने कम्युनिटी में अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोग एक बात सिखाते हैं, झूठ मत बोलो। सब सिखाते कि नहीं सिखाते? सब सिखाते। भारत से झूठ खत्म हो गई क्या? लाखों की संख्या में झूठे मुकदमे, लाखों की संख्या में झूठी गवाही, लाखों की संख्या में झूठी शिकायतें। सब कहते हैं ईमानदारी से रहो, थाने हमारे दलाली के अड्डे बने हुए, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, जिले में न्याय बिक रहा है,
बस पैसा चाहिए, जितना खरीदने वाला चाहिए, अदरवाइज न्याय बिक जाता है। सिंगापुर में ना इतने महामंडलेश्वर है, ना इतने पादरी है, ना इतने मौलवी है, वहां ईमानदारी ज्यादा क्यों है? भारत में इतने कथावाचक, इतने महामंडलेश्वर, इतने धर्मगुरु, इतने पादरी, इतने मौलवी, उसके बाद यहां भ्रष्टाचार ज्यादा क्यों? जापान में इतने धर्मगुरु नहीं है, इतने बौद्ध स्थल नहीं, जापान में इतनी ईमानदारी क्यों? और राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती, महावीर की धरती, बुद्ध की धरती भारत, श्री अरविंदो की धरती भारत, शंकराचार्य की धरती भारत, इसके बावजूद इतनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, काला बाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, इतना ज्यादा अपराध क्यों है? लेटेस्ट एग्जांपल दुबई का। दुबई में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? लेटेस्ट एग्जांपल चाइना का। चाइना में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, भारत में क्यों होता? सिंगापुर में लोग अवैध रूप से क्यों नहीं जाते, भारत में क्यों आते? आप गुरुजन इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में जो सबसे पावरफुल चीज है ना, वो है कानून। कानून जितना कठोर होगा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उतना अच्छा हो। मैं उदाहरण देता हूं, मैंने एक पीआईएल फाइल किया 2017 में कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं भारत में, 5 करोड़ सुप्रीम चल रही। घुसपैठिए आते कैसे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए देते हैं, आधार बनवाते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं, एक एक करके डॉक्यूमेंट उनका बनता चला जाता है। एक एक घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 करोड़ डॉक्यूमेंट बना लिया। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, जिले वाइज 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, तहसील के हिसाब से 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये आंकड़े वो है जिनको मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट पे। भारत के बॉर्डर में जो 300 तहसीलें हैं, चाहे वो समुद्र पर टच होती है, चाहे पाकिस्तान से मिली हुई है, या हिमालय से मिली हुई है, या इधर बांग्लादेश से मिली है, या मिली है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल जाना, यानी 30% जिले आप निकल गए, 500 जिले और बचे हुए, लगभग 30% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, जहां डेमोग्राफी बदल रही है, सनातन कमजोर हो रहा है, वहां पे नारी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, धर्मांतरण से होता है। इसको रोकने का तरीका जैसे चाइना में है, फ्रांस में है, अवैध रूप से घुसपैठ किए 20 साल से ना, 20 भारत में आज तक हुआ ही नहीं, हमने कानून ही नहीं बनाया। अमेरिका में बड़ा अच्छा है, वहां लोग अपराध करते हैं तो कबूल कर लेते हैं। कबूल क्यों करते हैं? चोरी की सजा 5 साल, 10 से 20 साल, समझिए जरा, चोरी की सजा 5 साल और झूठ बोलने की 10 से 20 साल। अमेरिका के हर थाने में लाई डिटेक्टर हुई है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग वाली लैब है, अगर आपने एडमिट किया हमने चोरी किया है तो 5 साल सजा होगी, और झूठ बोला कि चोरी नहीं किया तो तुरंत टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट में पकड़ आएगा तो कितनी साल सजा होगी? 15 साल की। काम करेगा कि नहीं? तो पावरफुल कौन हुआ? सच बोलने के लिए पावरफुल कौन हुआ? कानून। हमारे देश में अगर हर थाने में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के एक लैब बना दिया जाए, कोई विवाद हो, कोई शिकायत करे, तुरंत हो भाई ठीक का टेस्ट कर लो,
आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे, छेड़छाड़ के मुकदमे, फालतू मुकदमे, ये मुकदमे वो मुकदमे, दुनिया भर कैसे खत्म हो जाए। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है। सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो घटिया जुडिशियल सिस्टम जो 20 से 50 साल तक मुकदमों को कंटिन्यू। जिन्होंने बोला ना सनातन धर्म में चाहिए है, उनको हिम्मत कहां से आई? हिम्मत आई क्योंकि आज के 10 साल पहले एक आदमी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको सजा नहीं मिली इसलिए बाकी लोग आ रही। अगर उसको सजा मिल गई होती 10-20 साल की, मार गया होता, जेल में गया होता, तो दोबारा कोई कहता कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी का कोड है। कलयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल है कानून। कानून है लोग सच बोलना शुरू कर देंगे, कानून कठोर आ जाए झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी। दुनिया के बाकी देशों में झूठ बोलना पाप है कि नहीं, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, यही समस्या की जड़ है। एक झूठ के खिलाफ कठोर कानून बन जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, 2:45 बज चुका है, मुझे लगता है बिना भोजन किए आए होंगे, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कहना तो बहुत कुछ था, भी लाया था, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बाकी माध्यमों से जुड़े रहेंगे। और जैसा आदरणीय शर्मा जी ने कहा, बगल में कोई आश्रम है, फिर कार्यक्रम मनाएंगे तो वहां आके सत्संग करेंगे। भारत माता की। आदरणीय अश्विनी जी उपाध्याय साहब को हमने सुना, बहुत ही गंभीर और शानदार विचार हमने देखे।